अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी तड़का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड टोमेटो प्यूरी की रेसिपी। इसे आप फ्रिज में 1 से 2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं और फ्रीज़र में 1 से 2 महीने तक आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं 8 से 9 टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके इस तरह छोटा छोटा कट कर दिया था। अब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। टोमेटोज को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। मैंने लिया है पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और हिलाते जाएंगे। फिर हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट पे पकाएंगे। साथ साथ चेक करते जाना है और मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा थिक हो चुका है। इसी तरह मिक्स करते जाना है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट। और 1 टीस्पून शुगर। फिर इसमें मैंने बे लीव्स ऐड किए हैं, तेज़पत्ता 2 से 3। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। इसको बार बार स्टर करते रहना है और हमें इसे अच्छी तरह पकाना है जब तक हमें थिक पेस्ट ना मिल जाए। इसे हम बे लीव्स रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं पहले से काफी थिक हो गया है। अभी हमने इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है लो हीट पे। पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। किसी भी बॉटल या एयर टाइट जार में इसे ट्रांसफर कर दें और आप इसे रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। टोमेटो प्यूरी हमारी रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमान अल्लाह।